हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष पर होने वाले कार्यक्रम के संबंध में मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी एसएसपी सीडीओ सहित विभिन्न अधिकारियों के साथ किया चौरी चौरा शहीद स्मारक सहित अन्य स्थल का निरीक्षण, बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस कर्मियों द्वारा महाराजगंज के निचलौल के व्यापारी के साथ गोरखपुर में हुई लूट की घटना के 24 घंटे के अंदर अनावरण के बाद डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार सहित लूट की घटना के अनावरण करने में शामिल क्राइम ब्रांच सहित अन्य थानों की पुलिस टीम को गोरखपुर के सर्राफा मंडल द्वारा किया गया सम्मानित। पुलिस विभाग के सफल अनावरण की गई भूरी भूरी प्रशंसा। महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ नगर निगम कार्यकारिणी के उपसभापति का चुनाव, ऋषि मोहन वर्मा चुने गए नगर निगम के नए उपसभापति। कहा, जनता के मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाना ही होगा उनका पहला कर्तव्य। गोरखपुर में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण 5 फरवरी से होगा शुरू। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर, पुलिस प्रशासन, नगर निगम व राजस्व विभाग के साथ अन्य विभागों के कर्मचारियों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। अब तक 15,000 कर्मचारियों का कोविन पोर्टल पर हो चुका है पंजीकरण। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा आयोजित हुआ सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम। ट्रक ऑपरेटरों को दी गई सड़क सुरक्षा की जानकारी, दिलाया गया सड़क सुरक्षा के प्रति कर्तव्य व निष्ठा की शपथ। सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ उद्योग बंधुओं की बैठक। उद्योग बंधुओं की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के तहत महानगर के दाऊदपुर स्थित एक निजी आवास पर महानगर के दर्जनों प्रतिष्ठित लोगों ने गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक सुभाष जी से मिलकर अपना दिया योगदान। मंदिर निर्माण को लेकर लोगों ने जताई खुशी। गोरखपुर में शनिवार को मिले मात्र 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,373। अब तक 357 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 90 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर जिलाधिकारी कार्यालय पर सीआरओ और सिटी मजिस्ट्रेट सहित अन्य कर्मचारियों ने 2 मिनट मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। रिजर्व पुलिस लाइन गोरखपुर स्थित पुलिस गार्ड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर गांधी प्रतिमा के समक्ष गोरखपुर किसान कांग्रेस और महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा दी गई विनम्र श्रद्धांजलि। रामधुन वाचन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उनके पद चिन्हों पर चलने का लिया गया संकल्प।